वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम फराह ऐसे फ्रॉम फराह हुसैन ऑफिशियल। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुश आबाद होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। वन से लेके 15th ऑफ एनी मंथ में अगर आपके बाद की डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप मेरी उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो 16th ऑफ एनी मंथ ऑफ योर जो है ना ईयर में आपके पार्टनर की 30 तक अगर आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की, तो ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ हैं। याद रखिएगा, हम देखेंगे कि क्या उनके माइंड में चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं क्या ये फील कर रहे हैं आपके लिए? अच्छा, मैंने इस तरह की रीड अभी तक नहीं देखी कि डेट ऑफ बर्थ से करंट एनर्जीज़ बता रहे हो। अगर आपने की है देखी है तो मुझे बताइएगा, और कितना रेजोनेट करता है भी बताइएगा, ठीक है, ताकि लोग फेक लोगों के पास ना जाएं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स। याद रखिएगा, ये रीडिंग सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं 16 to 30 में इनके पास? ओह गॉड, वेरी नाइस। ओ ओ ओ, तुम क्यों आए हो? ओके, नाइस। क्या माइंड में है, क्या एक्शंस ले सकते हैं इनको, क्या एक्शन हो सकता है? एक्शन हो सकता है तो बताएं, नहीं हो सकता है तो बता दें प्लीज। तुम क्यों आए हो? अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं हम, ठीक है, शफल किया। गॉड, वाओ, तुम क्यों आए हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आई डोंट लाइक दीज कार्ड्स, इतनी अच्छी एनर्जीज में ये कैसे आ गए? लव हाउसेस देख लेते हैं, हम ओपन एंड में करेंगे। ठीक है, 15 तो हो गया, 16 to 30 अगर आपके पार्टनर की किसी भी मंथ में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर्स की जो राइट करंट एनर्जी है ना, दे आर लेकिन आपके पार्टनर की मैं एक प्रॉब्लम बताऊँ आपको, आपके पार्टनर जितना भी, जैसे कहते हैं ना, हलकान हो रहे होंगे, बेहोश हो रहे होंगे, कुछ भी मसले मसाइल ज़िंदगी में उनके। अच्छा, प्रॉब्लम इनकी ये है कि एक तो ये मुझे पब्लिक फिगर नज़र आ रहे हैं, यानी पब्लिक आई में रहते हैं ज़्यादातर। दूसरा ये है कि इनके अंदर जो होता है ना, इनके फैमिली को भी नहीं पता होता, तो फिर आप तो बहुत दूर हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। और इनके फेजेस, इनका माइंड इतनी जल्दी बदलता है कि आप कभी कभी समझ नहीं पाते कि ये वही शख्स है जो मुझे पहली दफ़ा मिला था। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत हद तक अट्रैक्टेड, 2 of cup और पेज ऑफ कप का मतलब समझते हैं कि ये ट्रू रिलेशनशिप है। बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें नेगेटिविटीज़ की तरफ हैं, वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, बिकॉज आई एम हेयर टू डू दैट, राइट। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने सोचा कि आपकी रिलेशनशिप जाएगा शादी की तरफ, हाँ या ना, तो हम उसकी तरफ भी बात करेंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि 3 चीज़ें ख़राब हैं जिसकी वजह से ये एनर्जीज बिल्कुल, खैर वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। देखें, आपके जो पार्टनर्स हैं ना, वो अपने अंदर ही की एक दुनिया में रहने लग गए हैं। आप कभी ऐसे हो जाते हैं कि जस्ट दे कांट लिव विदाउट यू, बट देयर समथिंग इन, अभी उनके ना मुझे वर्क स्पेस में और उनके फैमिलीज में ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, अगर पता है तो, और अगर नहीं पता है तो और ज़्यादा। बिकॉज दे काइंड ऑफ पर्सन के हर चीज़ को साथ लेके चलना, फैमिली को भी साथ लेके चलना, दोस्त सर्कल को भी साथ लेके चलना, आपको भी एक रिस्पेक्ट देना, हर चीज़ में कहते ना, ये लो कैलिबर पर्सन नहीं है। ये अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है 16 to 30 वालों के पार्टनर्स की, अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोगों के पार्टनर 7 वाले हैं तो दे आर रियली 7 इन द सेंस 25, 7 और आप लगा लें 16, ठीक है। जिनके डेट्स हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन समटाइम दे बिहेव लाइक वियर्ड, राइट, बट देर इज़ समथिंग रॉन्ग। आप लोग ये नहीं समझे कि वाई दे आर डूइंग दिस, वाई डूइंग, और 28 वाले भी याद रखिएगा, 9 नंबर जिनका बर्न बन रहा है ना, उनके साथ भी बड़ा मसले मसाइल है ज़िंदगी के अंदर। वो ये इस वजह से नहीं है, इस रीडिंग की उस पर नहीं है, ये वैसे ही 9 नंबर 7 नंबर और 6 नंबर वालों के साथ थोड़ा मसला इस ईयर रहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रॉपर काउंट करके अगर आपका 8 नंबर 9 नंबर 6 नंबर बनता तो यू शुड कंसल्ट, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें जो गाइड करने की रह जाएंगी। बहरहाल, वो प्राइवेट में ही प्रॉपर हम कर सकते हैं, जनरल नहीं हो सकता वो।
दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन ही थे जो आपसे फर्स्टली अट्रैक्ट किए थे, लेकिन और आपको अपने मोहब्बत में, अपने अखलास या हर चीज़ पर आपने ड्रॉन किया। जब आप इनके बहकावे लव बॉम्बिंग की, उन्होंने आपके ऊपर हर चीज़ करा, और फिर जैसे ही आपने टू ऑफ कप की एनर्जीज में आए, यानी आपने भी उनका लव ऑफ कप एक्सेप्ट किया, तो फिर अब वो इसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि आपके लिए अपनी फैमिली से भी लड़े हैं, आपके लिए हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं महसूस होने देंगे ये इस चीज़ को, क्योंकि ये कहते हैं कि आगे पता नहीं होगा नहीं हो पाएगा, मैं आपको हाँ बोल दूँ, झूठी ना नहीं बोल सकते। और अब तो खैर उन्होंने झूठी होक देना भी आपको छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में कोई और अभी राइट नाउ एंटर करवा रहा है, या तो इनकी फैमिली करवा रही है, या कोई ऐसा शख्स है जो इनकी लाइफ में आ रहा है, फीमेल वर्जन कर लो, और अगर आप मेल हैं तो उनके लिए, अगर फीमेल आ रही हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल आ रहा है आपकी उनकी लाइफ में, और ये प्लान करके इस चीज़ को भेजा गया है इस पार्टनर को, ताकि वो आपसे दूर हो जाए, और इस रिलेशनशिप को जो टूवर्ड्स मैंने आपको बोला था ना कि क्या एनर्जीज है, वो शादी कमिटमेंट की जो एनर्जीज में ना, वो इस चीज़ को दूर करने के लिए आई है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल है कि ये फर्स्ट डे से क्लियरिटी थी आप लोगों को कि बस शादी करनी है, ठीक है, दोस्ती करेंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद कमिटमेंट के इश्यूज आने लग गए कि जी अब बस हम शादी कर लेते हैं छुपा के कर लेते हैं कुछ। अच्छा प्लीज़, क्योंकि मेरा मकसद थोड़ा सा गाइड करना भी होता है, तो प्लीज़ आप कितना भी मोहब्बत करते हो किसी से, नेवर डू दिस, क्योंकि छुपके तो सिर्फ गुनाह होता है, शादी नहीं होती है, याद रखिएगा। और अगर करनी है तो धूमधाम से करनी है, वरना नहीं करनी है, कितनी ही मोहब्बत हो प्लीज़, क्योंकि बाद में रोने से बेहतर है थोड़ा सा अपना पहला रोल लिया था, ठीक है। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप लोगों ने अपनी, और कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली से नहीं बात कर रहे हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बड़े होपफुल हैं, लेकिन वो आपको झूठी होप्स नहीं देना चाहते, लेकिन ये रिलेशनशिप अभी राइट नाउ कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सकता ड्यू टू द नेगेटिविटीज़, जो कि इनकी फैमिली की तरफ से जो प्लान बंदा भेजा गया है ना, वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब हम इसकी रिलेशनशिप के अलावा हम देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज थी, फर्स्ट कार्ड क्या था। Oh my God, okay, ये आपके था। I know exactly what I was doing. मैंने आपको, देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि फराह ऐसा कुछ बोलें, अल्लाह का और मेरे गॉड का सबका बहुत शुक्र है, ठीक है ना, कि बोलो तो वही चीज़ आती है। ये कार्ड्स हमने निकाले थे लेकिन देखे नहीं थे, और ये भी आपके सामने निकले। मैंने आपको बोला ना, समवन है आपके सिचुएशन के अंदर, आपकी तरफ या उनकी तरफ किसी को भेजा गया है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुई। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। आपको ये चीज़ गवारा नहीं है, आपको, मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि वो किसी और के साथ हो, यही बात मैंने पहले कही है, किसी को प्लान करके भेजा हुआ है, ये तो मैंने नहीं देखा था तब तक, है ना। तो ये एनर्जीज हैं, और ये जानते हैं, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, उनको मालूम है। मैंने आपको क्या बोला कि वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं, आपके कहने पे नहीं चलेंगे, अपनी तरफ से वो बात भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो फैमिली को भी राज़ी कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। तो आपको कैसी रही रीड बताइएगा, मेरी कितने परसेंट आपको ट्रूथ लगती हैं ये भी बताइएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ये जनरल रीड्स होती हैं, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करती, मगर आप जब कमेंट करते हैं ना तो दूसरों की हेल्प होती है, लोग फिर फेक लोगों के पास जाने से बचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग फेक, ये भी सबके जारिया होता है लोगों की हेल्प करना, तो आप कमेंट करना मत भूला करें, और हार्ट देना प्लीज़ ना भूला करें, मेरी दिल आज़ारी होती है उससे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।